और चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं जो कि यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी सीएम योगी के बीच ट्विटर वॉर लगातार हम देख रहे हैं और ऐसे में ओवैसी के ट्वीट पर सीएम योगी का पलटवार सामने आया है। जी हाँ, पलटवार किया है सीएम योगी ने। साथ ही आपको बता दें कि 15 मिनट पुलिस हटवाने की बात करने वाले वालों ध्यान रहे, हाय बाय तक तो ठीक है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए बात लिखी है, ये नया उत्तर प्रदेश है। सीएम योगी ने यह भी लिखा है, योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक तौर पर दंगाइयों के पोस्टर लगाते हैं। तो देखिए, ओवैसी के अब बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हद है। CAA का कानून मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का कानून है। चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को फड़काने का कार्य कर रहा है। बाबा और लैला में सियासी दंगल, भाईजान का चैलेंज, बाबा का रिवेंज, छोटे मियाँ बड़े मियाँ पर भारी, महाराज की खातिरदारी। भगवाधारी उतारेंगे नफरती ब्रदर्स की खुमारी। तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई। सियासत की लैला को बाबा से पंगा लेना भारी पड़ गया, भड़काऊ भाईजान को बाबा को उकसाना महंगा पड़ गया। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी को टारगेट करने की कोशिश की तो खुद ही हिट विकेट हो गए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने लैला को ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद भड़काऊ भाईजान को अपनी तहरीरों को सार्वजनिक करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। योगी के पलटवार के बाद ओवैसी को कोई भी ट्वीट टपकाने से पहले बाबा का चेहरा नजर आएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने जवाब से हवाई किले बना रहे ओवैसी को हकीकत का आईना दिखा दिया। सीएम योगी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटवाने की बात करने वालों हाय बाय तक तो ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये नया उत्तर प्रदेश है जहां सार्वजनिक तौर पर दंगाइयों के पोस्टर लगते हैं और उनकी संपत्ति कुर्क होती है और वे बाद में हम सुधर गए हैं कि तख्ती लेकर भी घूमते हैं। योगी के 15 मिनट वाले रिवेंज से लैला को एहसास हो गया कि यूपी का रण इतना आसान नहीं है। बाबा को घेरना शेर के मुंह से निवाला छीनने जैसा है। यूपी के रण में खाक छान रहे ओवैसी ने ट्वीट करके कहा था कि इस चुनाव में बाबा, भैया और बहन जी को बाय बाय। सियासत की लैला ने ट्वीट वार के जरिए एक साथ योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती को घेरने की कोशिश की थी। उनका मकसद किसी बहाने यूपी की सियासी चर्चा में बने रहना था, लेकिन लैला का कागजी वार इस बार भी फूका कारतूस निकला। दूसरी तरफ बाबा का फौलादी इरादा लैला, बुआ, बबुआ और दीदी सब पर भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।